आज आदमी इतना संकुचित हो गया, विचार करता है हम दो हमारे दो, बाकी दुनिया जाए। कौन बोला भाड़ में? बहुत बेईमान लोग हो तुम लोग। आदमी इतना संकुचित हो गया, अपने अपने बीवी बच्चों के अलावा और किसी के बारे में शुभ भला हित मंगल सोचता ही नहीं। पहले संयुक्त परिवार था, एक साथ परिवार में 10-10, 20-20 सदस्य रहते थे, उसका फल भी देखते थे। आजकल चोरियां बहुत बढ़ रही, बहुत चोरियां बढ़ रही। चोरियां सिर्फ इसीलिए बढ़ रही है, पहले 10 सदस्य 20 सदस्य होते थे, घर में 2-4 बुजुर्ग भी होते थे, रात में कोई ना कोई जागता ही रहता था, एक ना एक तो जागता ही रहता था, चोर आने में घबराता था। अब घर में कौन है? मियां, बीवी, चोर भी बड़े निडर होके आते हैं, बड़े निडर होकर आते हैं। चोरियां बढ़ रही, सिर्फ इसलिए बढ़ रही है, संयुक्त परिवार की अवधारणा खत्म होने की वजह से उसके दुष्परिणाम भी परिवार में जीवन में सामने आ रहे। अपने आराम के लिए, सिर्फ थोड़े से आराम के लिए आप दूसरी चीजों को नजरअंदाज मत करिए, उनका अपना महत्व है, उनका अपनी उपयोगिता है। आजकल बच्चे बड़े जिद्दी हो रहे हैं, बच्चे बहुत जिद्दी हो रहे हैं, माँ बाप का कहना भी नहीं सुनते। क्यों? इतना लाड़ उन्हें दिया जाता है, हर मांग फरमाइश उनकी पूरी दिख की जाती है, वो गलत है सही है देखा ही नहीं जाता है, इसलिए उसका परिणाम सामने आ रहा है। जो संस्कृति है उसको तो सामने रखना पड़ेगा। जन्मदिन आता है, जब जन्मदिन किसी का आता है तो केक बनाते हैं, केक के चारों तरफ बोलो मोमबत्तियां लगाते हैं। जिसका जन्मदिन होता है, जन्म होता है, उसके हाथ में छुरी पकड़ाते हैं और फिर वो फूंक मार करके मोमबत्तियों को बुझाता है, केक को काटता है और बोला जाता है पर मैं निवेदन करूं, जब केक के चारों तरफ लगी हुई मोमबत्तियों को फूंक मार करके बुझाते हैं तो जब आप फूंक मारेंगे तो उस केक पर थोड़ा थूक भी गिरेगा, फायदे की बात है। जब फूंक मारेंगे तो स्वाभाविक है उस केक पर थोड़ा थूक भी गिरेगा और फिर तुम उस फूके हुए केक को नाच नाच के गाते हो, मैंने तुम्हारे जैसा बेवकूफ आदमी नहीं देखा। फूके हुए केक को नाच नाच कर खाते हो निमेदान। मोमबत्तियों को बुझाना ये इस बात का प्रतीक है, मुझे लगता है जैसे हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हो कि हे प्रभु तू मुझे प्रकाश से अंधकार की ओर ले चल। भारत की परंपरा में तो प्रार्थना में कहा गया तमसो मा ज्योतिर्गमय, हे प्रभु तू मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल।
लेकिन जब आप मोमबत्ती को फूंक मार करके बुझाते हैं तो मुझे लगता है हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु तू मुझे प्रकाश। भारत हमेशा प्रकाश का पुजारी रहा है, भारत हमेशा ही प्रकाश का पुजारी रहा है, याद रखो।